हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हो राध्याज़ लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, ये बहुत जूसी होगा, फ्लफी होगा, बहुत क्रीमी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कप व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैं डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच। तो ये हो गया और यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है इस तरीके से, कट एंड फोल्ड करके इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारा मिक्स हो गया। इसको अब हम एक पाइपिंग बैग में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक कोन में इस तरीके से मैंने डाल दिया है, ये देखिए। और यहाँ से कट करके हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में इस तरीके से ग्लास जार ले लिया है मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लेफ्ट ओवर केक। तो फर्स्ट लेयर मैं इस केक की दे दूँगी और यहाँ पे अच्छे से मैंने क्रम्बल कर लिया था केक को। सेकंड लेयर मैं दे रही हूँ यहाँ पे क्रीम की, जो हमने स्ट्रॉबेरी सिरप को डाल के जो मिक्स किया था उसकी हम लेयर दे देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी कुछ फ्रूट्स। यहाँ पे आप बनाना डाल सकते हो, यहाँ पे आप कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने थर्ड लेयर इसकी डाल दी और उसी प्रोसेस को फिर से हम रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार में और यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दिया है और जूसी करने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है इसका फ्लेवर। यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने क्रम्बल करके केक को डाल दिया है, ये लेयर डाल दी। इसको अच्छे से हम स्पून की हेल्प से इस तरीके से कर देंगे और फिर से हम अपनी व्हिपिंग क्रीम की लेयर डाल के उसके बाद हम फ्रूट्स को डाल देंगे। इस तरीके से हमने कर दिया, ये देखिए, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना। अब इसके ऊपर से हमने अच्छे से फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सिरप फिर से डाल दिया और इससे हमने एक चिल्ड बिल्कुल ओरियो आइसक्रीम के स्कूप के साथ इसको सर्व कर लिया। ये देखिए लग रहा है ना कितना टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।